अब तो आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया कि मंत्रिमंडल डाल रहे हैं। इन्हीं है लोग खाए ना देश में, किन लोगों को बुलाया गया था। अभी राजभवन से फोन नहीं आया, फोन आ जाता है ऑथेंटिक न्यूज हम आपको बताता रहती है, फोन आ गया रही जानकारी, जो जानकारी आपको वही जाएगा। यूपी की सियासत में अलग ही पहचान रखने वाले सपा अध्यक्ष ओपी राजभर एक बार फिर खबरों में हैं। सूत्रों की माने तो ओपी राजभर का नाम योगी मंत्रिमंडल में शामिल होने की बात कही जा रही है। मंत्रिमंडल विस्तार में सपा अध्यक्ष ओपी राजभर के साथ साथ पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान और हाल ही में एनडीए का हिस्सा बने रालोद के एक या दो नेता मंत्री बनाए जा सकते हैं। भाजपा से भी एक दो चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल करने की बातें कही जा रही, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार की मीटिंग से पहले राजभवन पहुंचे ओपी राजभर ने क्या कुछ कहा। भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर जी मौजूद है, सुबह हमने बात की थी तो फोन नहीं आया था, लेकिन अभी सीएम योगी आदित्यनाथ से मिल चुके हैं। क्या स्थिति है, अब तो बहुत सी चीजें क्लियर हो गई है, क्या क्या चर्चा हुई? जो लोकसभा और चुनाव संबंधी चर्चा, लेकिन आप चर्चा तीनों लोगों को बुलाया गया था जो मंत्रिमंडल में शामिल तो अब तो आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया कि मंत्रिमंडल इन्हीं लोग खाने देश में, किन लोगों को बुलाया गया था? अभी राजभवन से फोन नहीं आया, फोन आ जाता है ऑथेंटिक न्यूज हम आपको बताता, फोन आ गया रही जानकारी, जो जानकारी आपको मिल जाएगी। लोगों के साथ वहाँ पर दारू चौहान तीन लोग पकड़े हैं, तो क्या विभाग वगैरह की सभी कोई चर्चा? आपको लोकसभा के लिए भी सारी मांग है, लगभग कितनी सीटें अभी तक आपको? अभी तो ये फाइनल हुआ, एक पर चल रहा है माना जा रहा है, एक तो फाइनल हुआ है, एक के लिए चर्चा। आज मंत्रिमंडल में पूरी तरीके से तैयार है, फूल आपके लिए आ गए हैं, ओम प्रकाश राजभर जी साफ तौर से माना है कि फूल और ये सब चीजें तैयार है और गए थे, बातचीत हुई है, तीन लोगों को बुलाया था और बस ऑथेंटिकेट नहीं आनी है, उसके बाद पूरी तरीके से ये कन्फर्मेशन हो जाएगा। मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर लगातार जो है आप तैयारी हो गई, आप देख सकते हैं ये दो लोग आए ओम प्रकाश राजभर से बाहर बचे हैं और जिस तरीके से अभी थोड़ी देर में राजभवन पहुंचेंगे ओम प्रकाश राजभर, आप देखिए पूरा घर जो है सजाया गया है, यहाँ पर कई कार्यकर्ता उनके मौजूद है, वो खुश है और घूम रहे हैं, नाच रहे हैं, क्योंकि साफ तौर से सभी कार्यकर्ता ओम प्रकाश राजभर हमारे प्रभु श्री राम को राष्ट्रीय हो रहा है। यही बताया कि अब ये सभी जो है किसी न किसी तरीके से बना रहे हैं और सभी कार्यकर्ता राजभवन जाने के लिए पहले से मौजूद यहाँ पर आ रहे हैं।